आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना के असम्बली के बजट सेशन में 2,30,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें हमारे हरदिल अजीज रियासत के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की हिदायत पर वजीर फाइनेंस हरीश राव साहब ने आज इस बजट को पेश किया। बजट में अल्लाह के फजल करम से न सिर्फ तमाम अकौम का बल्कि गरीबों का और गुर्बत के मारे लोगों का भी बड़े पैमाने पर ख्याल रखा गया, जिसमें 52,000 से जायद गरीबों के लिए जिनके पास मकानात नहीं है उसके लिए 11 करोड़ रुपए बड़े पैमाने पर रकम मुख्तस की गई। न सिर्फ वो मुख्तस की गई बल्कि मैं इस बात पर खुशी का इजहार करूंगा कि आज के इस माहौल में जहां पर वबाई अमराज का फैला हुआ है, लॉकडाउन जैसे माहौल में भी रियासत के वजीर आला ने मुसलमानों को अकलियतों के लिए जो बजट मुख्तस किया है वो काबिल सताइश बजट है। मैं उसको सहराता हूं और वजीर आला को सलाम करता हूं जिन्होंने 1,606 करोड़ रुपए मुख्तस किए। आज जिस तरह रियासती तेलंगाना का माइनॉरिटी का बजट हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हरीश राव साहब जिस तरह असेंबली में आज ऐलान किया बाद पूरे रियासती तेलंगाना ही अवाम बल्कि नहीं हिंदुस्तान की हर स्टेट की अवाम देख रही थी कि रियासत तेलंगाना का मुस्लिम माइनॉरिटी का बजट कैसा रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हरीश राव साहब ने कई स्कीमात पर बीसी एससी इस तरह डेवलपमेंट्स कई सोसाइटी के हिसाब से कई ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जिस तरह आज रियासती तेलंगाना का बजट एक अच्छा बजट ऐलान हुआ है, क्योंकि इसलिए कि उम्मीद रखता हूं कि रियासत तेलंगाना की पूरी अवाम के जिस तरह हिंदुस्तानी बल्कि नहीं पूरे वर्ल्ड में जिस तरह कोरोना का जिस तरह खौफ बैठा हुआ है, इसके बाद हमारी इकोनॉमिकल जो डाउन हो गई थी जब रियासती तेलंगाना का जब जनवरी और फरवरी मार्च के बाद 2021 के बाद जो शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इस साल बहुत ही अच्छा जाना है, क्योंकि जिस तरह कोरोना के वजह से आज पूरे हिंदुस्तान ने पूरा वर्ल्ड परेशान है, आज रियासती तेलंगाना का बजट जब ऐलान होने पर सबसे बड़ी खुशी हुई तो गरीब माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी को हुई है, क्योंकि इसलिए गुज़श्ता बजट की वजह से कई लॉकडाउन था उस टाइम में भी हमारे हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब ने जितने स्कीमात थे वो गरीब आवाम को पहुंचाए हैं। जिस तरह घर में जिस तरह कोरोना के वक्त बैठ के कई जनों को पेंशन दिया गया है हुकूमत तेलंगाना, जिस तरह आज पूरे हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज ही बल्कि नहीं नॉन माइनॉरिटीज को रियासती तेलंगाना की पूरी आवाम को कई पेंशन के जरिए से कई लॉकडाउन के बजट से उनको सहूलत दी है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, उसी तरह आज मैं उम्मीद रखता हूं जिस तरह माइनॉरिटी के बजट के बाद जिस तरह बेरोजगार नौजवान हिंदो बेरोजगार खवातीन हिंदो, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि गुज़श्ता कई वर्षों से कई हुकूमतों ने यहां हुकूमत की, क्योंकि इतना अच्छा बजट हिन्दुस्तान की तारीख का आज एक ऐसा बजट है कि एक अपने घर में एक खुशी का एक माहौल दिखता है, उसी तरह रियासती तेलंगाना में एक खुशी का माहौल दिख रहा है। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव साहब को